अगला प्रश्न लेंगे, ये जेएनके से है, जम्मू एंड कश्मीर से। अगला प्रश्न विनोद कुमार जी का है। विनोद साहब ने जाना चाहा, इनकी एक प्रॉपर्टी है, इनके अकॉर्डिंगली उसकी मार्केट वैल्यू 8 लाख है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक छोटी प्रॉपर्टी ली हुई है, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अभी लोन लेना चाहते हैं। बलवंत साहब, इसमें एक तो जो बता रहे हैं प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन इनके अकॉर्डिंगली ये है, साथ में हम देखें ये रीपेइंग जहाँ तक बात है जो लोन लेंगे। इन्होंने बताया गवर्नमेंट सर्विस में है और अपनी एनुअल सैलरी भी इन्होंने मेंशन की है। ऐसे में ये दो पहलू, प्रॉपर्टी की वैल्यू साथ में इनकी रीपेइंग, ये किस तरह से इसको लेकर आगे मूव कर सकते हैं, क्या विकल्प रहेंगे इनके समक्ष? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि लोन की जो एलिजिबिलिटी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे आपने बताया कि जो आप प्रॉपर्टी की वैल्यू है या आपकी जो रीपेमेंट की जो कैपेसिटी है, तो जो ये जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना है तो उसमें लेंडर नॉर्मली 50-60% तक की जो वैल्यू है उस पर देता है, और वैल्यू वो नहीं जो आप परसीव कर रहे हैं, बैंकर जो है वो अपने हिसाब से उसका वैल्यूएशन करवाएगा और उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन आएगा उसके हिसाब से और बाकी जो इनकम के बेसिस पे है वो 2 साल तक की जो आपकी इनकम है उसके हिसाब से आपको ये लोन मिलेगा जी। तो दोनों में से जो कम बैठता है उतना आपको मिलेगा जी। तो ये लोन अगेंस्ट से प्रॉपर्टी है जो आप देखना चाह रहे हैं, ये किस तरह से वर्क करेगा, कितने टेन्योर के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आप इसको लेकर आगे मूव कीजिए। और ये जो मार्केट वैल्यू आप बता रहे हैं वो एक बात है, लेकिन लेंडर अपनी तरफ सब कुछ चेक करेगा और उनकी टीम इनफैक्ट इवैल्यूएट करने की कोशिश करेगी कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप तमाम पहलू देख सकते हैं। अगला सवाल